आज यहाँ नौराधार में जो है नौराधार इकाई की भाट कल्याण समिति की बैठक का आयोजन किया गया और यहाँ पे एक तो हमारी जो नौराधार तहसील की जो इकाई है उसका भी गठन किया गया जिसमें श्री ब्रह्मानंद शर्मा जी को अध्यक्ष चुना गया और बाकी कार्यकारिणी भी यहाँ बनाई गई है। तो इसमें चर्चा हुई कि हमको जो है जैसे आजकल ये बहुत ज्वलंत इशू चला हुआ है कि हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में हमारे ओबीसी के नाम से जो है भाट कल्याण समिति के नाम से कुछ लोगों ने जो है हाई कोर्ट में रिट कर दी है कि हमको जो है शेड्यूल ट्राइब के दर्जे से जो है बाहर किया जाए और हमको जो है ओबीसी में ही रहने दिया जाए। तो हमने यहाँ चर्चा की क्योंकि ये ओबीसी का क्षणिक लाभ जो है वो मिल रहा है, ओबीसी कमीशन कभी भी जो है किसी कैटेगरी को बाहर भी कर सकता है और किसी नई कैटेगरी को शामिल भी कर सकता है, ये ओबीसी कमीशन का प्रेरोगेटिव है। लेकिन शेड्यूल ट्राइब जो दर्जा है ये संवैधानिक दर्जा है, लोकसभा में बिल पारित होता है, राज्यसभा में बिल पारित होता है, उसके बाद जो है राष्ट्रपति की मोहर लग के किसी समुदाय को शेड्यूल ट्राइब में शामिल किया जाता है। तो हमारे बीच में जब चर्चा हुई तो हमने यहाँ से जो हमारी जो असली पंजीकृत हमारी बॉडी है भाट कल्याण समिति की, उन्होंने जो है फैसला किया कि हम जो है जिन्होंने हाई कोर्ट में रिट की हुई है उसके बारे में हम कोर्ट को जो है अवगत कराएंगे कि वो जो है ना ये भाट कल्याण समिति को वो रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, समिति तो पंजीकृत बॉडी है हमारी, तो इसलिए हमने भी वहां पार्टी बनने का निर्णय लिया और हम उसमें पार्टी बन गए और अपना पक्ष रखेंगे क्योंकि शेड्यूल ट्राइब में दुनिया भर के और भी लाभ है नौकरी के अलावा। तो उस पर चर्चा हुई, विस्तार से चर्चा की गई और हम लोग जो है ना केवल शेड्यूल ट्राइब का ही लाभ लेना चाहते हैं लेकिन साथ में ओबीसी का भी, जिस तरह से किन्नौर के शेड्यूल कास्ट लोगों को शेड्यूल कास्ट का भी मिलता है, शेड्यूल ट्राइब का भी मिलता है, उसी तरह से जब हम इसमें शेड्यूल ट्राइब होंगे तो हम स्टेट गवर्नमेंट के पास जाके जिस तरह का डिसीजन किन्नौर के शेड्यूल कास्ट लोगों ने कराया कि उनका डबल सर्टिफिकेट बनना चाहिए, उसी तरह का डिसीजन हम भी हिमाचल सरकार से करा सकते हैं आने वाली पीढ़ियों के लिए। उसमें हमारे इसी संविधान का तभी भला है जब हम शेड्यूल ट्राइब में शामिल होंगे और हमें भी जो है क्योंकि ये संवैधानिक दर्जा मिल चुका है तो इसलिए हमने कोर्ट में जो है अपने आप को पार्टी बना लिया हुआ है और हम कोर्ट में जजों के सामने ये बात रखेंगे कि हमारा ये संवैधानिक दर्जा हमको मिल चुका है, इससे हमको वंचित तक किया जाए और जो लोग जिन्होंने रीट की हुई है अगर वो चाहते हैं तो उनका इंडिविजुअल मामला उसको माना जाए और उनसे अवेडेविट लिया जाए कि उनको जो है इसमें शेड्यूल ट्राइब में ना दिया जाए, उनको ओबीसी ही रहने दिया जाए लेकिन वो पूरे समुदाय को वो रिप्रेजेंट नहीं करते, वो उनके इंडिविजुअल मामले हैं। तो इस बात पर यहाँ चर्चा हुई और सबने जो इस पे सहमति भी जताई और सबने हम सबसे निवेदन किया कि बाढ़ समुदाय को जो जहां गांव गांव में लोग हैं उनको भी इसके बारे में जागरूक किया जाए।